हाय गाइस, दिस इज लिंकन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ लिंकन। तो आज आप मो सहित बुली जातु अच्युत नंदन मालिकार बनी थी एमती एक जगह जहाँ आम भारतवर्षर चारिगोटी जगार देखा मिले जहाँ हूँ चौषठी जोगिनी मंदिर। तेज चौषठी जोगिनी मंदिर केउंटी अवस्थित ओ केउं भली भावे चौषठी जोगिनी विषय मालिकार बनी दी एवं संपूर्ण बरणी जानतु मोर यही भिडियो किंतु भिडियोटी आपको पूरा देखा अनुरोध। जदि आप चैनल को मो सब्सक्राइब करना तेज जाए प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे बेल आइकन आप प्रेस कर दिंतु। तेज भुवनेश्वर टू आप चौषठी जोगिनी मंदिर जावाक चाहते तहार दूरता 13 किलोमीटर दूर अवस्थित। चौषठी जोगिनी मंदिर जावा बाटे पड़ला सुदर्शन दारुपीठ। कहा जाए जे यही जगार जितेबाला प्रभु श्रीजगन्नाथ नवकल बेश होता यही जगह सुदर्शन द्वार खोजा जाता आम से समय अटकी आम बाहरी चौषठी जोगिनी मंदिर अभिमुखे चौषठी जोगिनी मंदिर। तो मुझ चौषठी जोगिनी मंदिर जिते आसली तो सही मंदिर फ्रंटे गोटे सुंदर पुष्करिणी पड़ा जोटा चौषठी जोगिनी पुष्करिणी कहते। तो देखते मझे गोटे जमी कहती पोखरी मझे गोटे दीप थाए तो से सुंदर दीपटे अच्छे और पोखरीटी बहुत बड़ी तेज चलते ए भर को जी। तो यहाँ तार चौषठी जोगिनी मंदिर बाहर भ्यूटा तो सेपटे बीन भाई सुट कर गले। तो आज आम जेहेतु तो सेपटे कि देखो प्री वेडिंग सुट्र भी प्रिपेयर चलती तो आपण भी जी हूँ आपड़ भी ये सुट करें। तेज चलते ए भर को जी चौषठी जोगिनी मंदिर भितर को। आज तो भुवनेश्वर बुलाऊँ बाटे तो दहबरा आलुदम गोटे ख्याल अच्छे एत सुट कर मन पड़ानी तो आज डिस्कवरटा धरिकी आम आई। तो ये कि लेखाई चलते पढ़ दबा स्वामी स्मारक 1985 मसीह अनुजाई जातीय महत्व घोषणा कराई प्राचीन स्वयंबाद तेरे किसी रूल रेगुलेस लिखाई जेहेतु। तो चलते ए भर को जी गेट रे कहीं गोटे विरल गेट ही देखना मो बैग भी आस पा तो ये आम आसी जाए चौषठी जोगिनी मंदिर ये कि गोटे बोर्ड मराई चौषठी जोगिनी मंदिर हीरापुर महामाया मंदिर पूरा। तो फल गोटे एक्चुअली पूरा लिभि जाइए तेज महामाया मंदिर नाम स्थानीय परिचित यही पूर्वमुखी अनुक्त महादेवालय 1953 मसीह ओडिशा राज्य संघ तरफ बैठक क्षणता भी भाग बड़ी लाभ ना। तो ये आसपास गोटे छोट मंदिर अच्छी मंदिर बस गोटे छोट रेडिएशन भितर चौषठी जोगिनी जो मंदिर अवस्थित। तो मंदिर टी अवश्य भांगी जा तार किसी भग्नावशेष बर्तमान सुधा ये बंची ओडिशा टूरिज्म निज अंडर नहीं कि बर्तमान किसी ना कि डेवलपमेंट काम भी सी तरह चल। तो सुंदर पार्टी देख आपच समय बीते पारे। तो ये टी बस पचास सियाड़ विनय भाई आम आस तो विनय भाई आस मिसिक मंदिर भितरटा बुलवा आ कौन। तो सी सियाड़ पुणी नमस्कार मनोज कुमार महापात्र मंदिर पूजक ये चौषठी जोगिनी मंदिर आप जो देखुं चौषठी जोगिनी मंदिर ये टोटाल इंडिया चार्टा अच्छे भारत वर्ष जोटा कि आमर ओडिशा दुईटा देखा पाइबे गोटे हीरापुर जोटी आमर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट जा बाकी आउ गोटे अच्छे राणीपुर झरियाल बलांगीर डिस्ट्रिक्ट आउ एमपी दुईटा ये बहुत पुरातन मंदिर लिंगराज कोणार्क पुरी ठू पुणा
ଯେଉଁଟା କି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜା ଭୌମବଂଶୀ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରଟି ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଭୌମବଂଶୀ ସମୟରେ ଶାନ୍ତିକର ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ ହୀରା ଦେଇ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ହୀରାପୁର ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ଆଉ ଏଇ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ସବୁ ପାର୍ବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚଉଷଠି ରୂପ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ରୂପରେ ଯିଏ ବିରାଜମାନ ସିଏ ହେଲେ ମହାମାୟା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ଏ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଅସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗା ଚଉଷଠି ରୂପ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଦେବୀଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ତାଙ୍କର ବାହନ ତାଙ୍କର ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁ କେଶ ବିନ୍ୟାସ 64 ପ୍ରକାରର ବାକି ଇଏର ମୁଖ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଆଉ ଖୋଲା ମନ୍ଦିରଟି ଓପନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ବାକି ମାନେ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟା ବିଜୟ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି 9 ନବଦୁର୍ଗା ବା ଆମର 9 କାତାୟନୀ ବାକି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏଇ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୋକ ଯେଉଁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଏଠି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ମଝିରେ ମନ୍ଦିରର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସେଇଠି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ହୁଏ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାୱାରଟି ମିଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରୁ ଆଉ ବାକି ଆମର ଏଠି ଗଣେଶ ନାରୀ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ପୂଜା ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ ଷୋଡ଼ଶୀ ପୂଜା ଆମର ଷୋଡ଼ଶୀ ଉପଚାର ପୂଜା ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଛ ପୋଡ଼ାବଳି ଆମର ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଆଉ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତିରେ ମାଛ ପୋଡ଼ାବଳି ଦିଆଯାଏ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସମସ୍ତ ଦେବୀମାନଙ୍କର ନାମ କହୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚଣ୍ଡୀ, ତାପରେ ତାରା, ତାପରେ ନର୍ମଦା, ତାପରେ ଯମୁନା, ତାପରେ ମାନଦା, ତାପରେ ବାରୁଣୀ, ଗୌରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ବରାହୀ, ପଦ୍ମାବତୀ, ଅଷ୍ଟଗ୍ରୀବା, ବୈଷ୍ଣବୀ, ପଞ୍ଚବରାହୀ, ବିଦ୍ୟାରୂପୀ, ଚର୍ଚିକା, ଚୈତାଳି, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ବିନ୍ଧ୍ୟବାସୀ, ଜଳକାମିନୀ, ଘଟଭରା, କାକରାଳୀ, ସ୍ୱରସ୍ୱତୀ, ବିରୁପା, କୁବେର, ଭଲ୍ଲୁକ, ନରସିଂହ, ବିରଜା, ବିକଟ ନୟନା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କୌମାରୀ ଏବଂ ମଝିରେ ଦଶଭୁଜା ଦୁର୍ଗା, ତାପରେ ରତିଦେବୀ, ତାପରେ ସର୍ପସା, ଯଶା, ଅଘୋରା, ରୁଦ୍ରକାଳୀ, ଗଣେଶ ସାନୀ, ବିନ୍ଧ୍ୟକାଳୀ, ବୀରକୁମାରୀ, ମହେଶ୍ୱରୀ, ଅମ୍ବିକା, କାମାକ୍ଷା, ଘଟବାରୀ, ସ୍ତୁତି, କାଳୀ, ଉମା, ନାରାୟଣୀ, ସମୁଦ୍ରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ, ଅଜ୍ଞାନୀ, ଆଗ୍ନୋଇ, ଆଦିତି, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, ବାୟୁବେଗ, ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ, ମାରୁତି, ଗଙ୍ଗା, ଧୂମାବତୀ, ଗାନ୍ଧାରୀ। ଏହାପରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟି ଅଛି ତାକୁ ଚଣ୍ଡୀ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠାରେ ଆଉ 4 ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି।
भैरवी रुद्रभैरवी अर्चिता वायुवीणा तो मझे जो मंडपटे जहाँ चंडी मंडप कहुए ये भैरवी रुद्रभैरव अर्चिता सूर्यपुत्री वीणापाणी एवं आ गोटे मूर्ति जोटा कि मिसिंग अच्छी तेब यही चौषटी जोगिनी नाम तो आज मो सहित आपण बोलने चौषटी जोगिनी मंदिर एवं ता विषय भी आप जानले बहुत किसी कथा तेब आपड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भल लगुच तो आप निहाती मो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करवा के भूल तो पुणी गोटे ये तो आज थला पूरा शांत सरल ब्लॉग दीटा तो यापर यदि हम आउ गए ब्लॉग भी आसो ये भाया कारण सब बाड़ गेमिंग क्या टी भल ना तो आम मझे मझे बाड़ा पुणी मझे मझे भल पिला तो भिडियोटी केमती लगे मत जमी कह सियोर जनवे और चैनल को सब्सक्राइब करके भूल तेरे रोचे जय जगन्नाथ।